नमस्कार, डेली डाई न्यूज में आपका स्वागत है। देश भर में रामलीला का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पीएम मोदी ने ऐशबाग रामलीला में रावण दहन के समय उपस्थित रहे। वहीं नोएडा में रामलीला मैदान में भव्य रामलीला का आयोजन चल रहा था, जिसमें आज असत्य पे सत्य की जीत और रावण दहन के मौके पर राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश यादव, मदन चौहान और नोएडा से सपा विधानसभा प्रत्याशी अशोक चौहान के साथ श्री राम मित्र मंडल के सदस्य उपस्थित थे। रावण दहन से पहले नोएडा में उपस्थित भारी भीड़ के बीच मंच से प्रोफेसर रामगोपाल यादव, मदन चौहान और राकेश यादव ने श्री राम को गुणों को बताते हुए लोगों से यह अपील की कि वे अपने अंदर की बुराई को खत्म कर दें। यही है रावण दहन और विजयदशमी का असली मतलब। उन्होंने लोगों से अपील की कि अपने समाज और सुरक्षा को बढ़ाएं और एक दूसरे का सहयोग करें। विजयदशमी हमको यही सिखाता है। इसके बाद मंचन शुरू हुआ, जिसमें श्री राम ने रावण वध किया। इस मंचन के बाद राम गोपाल जी ने तीर चलाकर रावण दहन के अंतिम चरण को पूरा किया। जब राम गोपाल जी से ये सवाल पूछा गया कि क्या पीएम मोदी का आज का उत्तर प्रदेश की रामलीला पहुंचना राजनीतिक कारण है, इस पर राम गोपाल जी का कहना था कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और जहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं, लेकिन अगर वो राजनीतिक लाभ के हिसाब से गए होंगे तो ये उनके लिए सेहतकारी नहीं होगा, क्योंकि जनता सब जानती है, जनता समझदार है, चुनाव में इसका पता खुद पे खुद लग जाएगा। इसके साथ ही आपको छोड़ चलते हैं रावण दहन के कुछ मनमोहक दृश्यों के साथ। जय श्री राम, जय श्री राम। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई।